नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर यह बढ़ती हुई गर्मी दूध के उत्पादन में कैसे गिरावट लाई है और इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण कैसे हमारे देश से लेकर अलग अलग देशों में भी दूध उत्पादन में बहुत भारी मात्रा में गिरावट आई है। तो चलिए हम एक एक करके सारे पहलुओं पर, सारे एस्पेक्ट्स पर हम नज़र रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये जो भी कंटेंट है, मैं खेती मैगजीन से लाया हूँ, जो कि ICAR का मैगजीन है और उस मैगजीन का नाम खेती है। आप ICAR की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए और भी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग, देश विदेश में दूध उत्पादन में गिरावट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तेज गर्मी और सूखे के कारण विश्व के कई देशों में दूध के उत्पादन में गिरावट आई है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों में दूध का उत्पादन घटा है और इससे आने वाले समय में मक्खन को लेकर या बेबी मिल्क पाउडर को लेकर या जो भी दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी में बहुत हद तक कमी होने की आशंका है। ठीक है। और भारत में गाय गर्मी से बहुत परेशान है और भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के सारे देशों में जो भी पशु हैं, गाय हैं, दूध देने वाली जो भी गाय हैं या जो भी जानवर हैं, वो इस गर्मी से बेहाल हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और ऑलरेडी मैं इस पे एक डेयरी सेक्टर पे वीडियो बना चुका हूँ, डेयरी एंड एमर्जिंग सेक्टर, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में बहुत वर्षों से भीषण गर्मी के कारण बेहाल किसान दूध उत्पादन का काम छोड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है जिसके कारण जो भी किसान है वो दूध उत्पादन करना छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन में बहुत गिरावट आ रही है, गाय दूध देना कम कर दे रही है, इसके वजह से तो उनको घाटा हो रहा है, इसके वजह से वो छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस कारण से दूध उत्पादन लगभग 5 लाख मेट्रिक टन कम हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में गिरावट आई है दूध के उत्पादन में इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण। 5 लाख मेट्रिक टन दूध के उत्पादन में कमी हो गई है। और दूसरी तरफ फ्रांस में सूखे की समस्या बढ़ने के कारण गायों को भरपूर मात्रा में आहार नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके कारण यहाँ खास गुणवत्ता वाले पनीर का बनना भी बंद हो गया है। और जाहिर सी बात है कि जब उत्पादन कम होगा और जो भी डिमांड है, पूर्ति, वो ज़्यादा है, तो क्वालिटी में गिरावट आएगी ही आएगी। तो इसलिए इसके वजह से देखिए कितना भारी असर पड़ रहा है पनीर के भी उत्पादन पे भी, पनीर के गुणवत्ता, क्वालिटी पनीर बनने में भी। तो इस विषय पर रोबा बैंक में वैश्विक डेयरी के जो भी रणनीतिकार हैं उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। अब चलिए हम देखते हैं आखिर ये दूध उत्पादन घटने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिक गर्मी के कारण पशु क्या करते हैं, वो चारा खाना कम कर देते हैं। ठीक है, जो भी भोजन उनको मिलता है, जो और दिन के मुकाबले वो भोजन खाते हैं और सीजन के मुकाबले जो वो भोजन खाते हैं, वो उसके मुकाबले अपना चारा खाना कम कर देते हैं गर्मी के कारण। तो तापमान में यदि 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो पशु अपनी 850 ग्राम खुराक कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ती है तो एक पशु, जो भी दुधारू पशु हैं, अगर वो अपना 850 ग्राम खुराक अगर कम कर दें तो कितनी दूध की गिरावट आ सकती है, जो कि आपने देखा अभी। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक शोध के अनुसार, एक स्टडी, एक रिसर्च के अनुसार, पशुओं में उत्तकों के अधिक गर्म होने यानी टिश्यू हाइपरमोरिया के कारण भी दूध उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रभाव क्या है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, केरला विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, एक स्टडी के अनुसार, जो भी मवेशी हैं उनके अगर शारीरिक तापमान में, उनके बॉडी टेम्परेचर में यदि 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो प्रतिदिन दूध में वो 1.8 से 2 लीटर तक की कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस भीषण गर्मी के कारण कितनी अधिक मात्रा में दूध के उत्पादन में गिरावट आई है। और तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से दूध उत्पादन में 5% की कमी हो सकती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गांव, जो भी गाय हैं उनकी गर्मी और सूखे से बचाने के लिए किसान नई नई योजनाएं बना रहे हैं और ब्लूमर की एक रिपोर्ट के अनुसार महंगे प्रयासों का उपयोग करके भी किसान मवेशियों को गर्मी से बचाने में असमर्थ हो रहे हैं। और छोटे किसान भी एसी और कूलर लगाकर पशुओं को गर्मी से राहत देने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पर जो
जैसे हम लोग देखते हैं ना, नेचर का जो मार होता है, प्रकृति की जो मार होती है, उससे कोई नहीं बच सकता है। तो चाहे हम जितना भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी किसान अपने छोटे बड़े प्रयासों छोटे बड़े प्रयास कर रहे हैं उसमें भी, ताकि उत्पादन को कम से कम बढ़ाए, कम से कम कम किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।